चलिए, लेकिन आज जो बहुत बड़ा अवसर है उसकी बात करते हैं। विजय दिवस के 50 साल पूरे हुए हैं और स्वर्णिम विजय दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीरों को नमन किया है। वॉर मेमोरियल पर, समर स्मारक पर जाकर पीएम मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। वो तस्वीरें आपसे थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाई, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके साथ थे। वॉर मेमोरियल पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1971 की वॉर के हीरोज को, शहीदों को याद किया, पुष्प अर्पित किए और वहां पर उन तस्वीरों को एक बार फिर जहन में ताजा कर दिया जो इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन के बाईं तरफ। 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था, जो आज इससे पहले कभी नहीं हुआ था और आज तक दोबारा नहीं हुआ। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और आज का दिन ऐतिहासिक है भारत के लिए और बांग्लादेश के लिए भी। आज भारत के शौर्य और पराक्रम को याद करने का दिन है तो बांग्लादेश की मुक्ति का पर्व भी आज ही है। दरअसल पाकिस्तानी जुल्मों से बांग्लादेश की मुक्ति भारतीय सेना के पराक्रम का नतीजा था और इसकी 50वीं वर्षगांठ आज हम मना रहे हैं। आपको 10 तस्वीरें मैं दिखाने वाली हूं और इन 10 तस्वीरों में पराक्रम की उस कहानी को जीने की कोशिश हम और आप मिलकर करते हैं जब 1971 का युद्ध हुआ था। और ये तस्वीर जब आप देखिए, पूर्वी पाक जो अब बांग्लादेश है उसमें किस तरह की बर्बरता हुई थी, इन तस्वीरों को आप समझिए। 1971 की ये तस्वीर है, 3 दिसंबर 1971 को जब ये युद्ध शुरू हुआ था और 3 लाख बांग्लादेशी हताहत इस युद्ध के दौरान हुए थे। 13 दिन तक ये युद्ध चला था। दूसरी तस्वीर आप देखिए, उत्तर भारत में पाक ने जब हमला किया था और पाक की तरफ से ये एक्शन लिया गया, पाक ने भारतीय वायुसेना के 11 ठिकानों पर हमला किया था। तीसरी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है जहां पर भारत का पूर्वी पाकिस्तान में अटैक, यानी कि भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की थी। भारतीय सेना ने बंगाल की खाड़ी में नौसैनिक अवरोध बनाया और भारतीय विमानों ने चटगांव सहित पूर्वी पाक के कई तटवर्ती कस्बों पर भी हमला किया। उसके बाद ये चौथी तस्वीर आप देखिए, 13 दिन की ये लड़ाई जब चली थी, सबसे छोटा युद्ध शायद ये होगा अपने आप में। 13 दिन की इस लड़ाई, 14 दिसंबर 1971 ढाका में भारतीय वायुसेना ने जब हमला किया, MiG-21 ने गवर्नमेंट हाउस की बिल्डिंग को उड़ा दिया था और इस हमले में पाक सेना प्रमुख जनरल नियाजी बाल बाल बच गया था। जिसके बाद हमने वो तस्वीर भी देखी जब नियाजी ने दस्तखत किए थे और बांग्लादेश का जन्म हुआ था। बांग्लादेशी महिलाओं ने मोर्चा कैसे खोला ये तस्वीर भी आप देखिए। 1971 में हम और आप इसको सामने से नहीं देख पाए थे, लेकिन इन तस्वीरों से आप समझिए कि 1971 का ये युद्ध किस तरह से रहा होगा। जब पाक टैंक पर कब्जा किया गया उस वक्त की ये तस्वीरें भी आप देखिए, ये लोंगेवाला में जहां कई पाकिस्तानी टैंक्स पर भारतीय सेना ने कब्जा किया और पाक टैंक पर जब कब्जा हुआ उसके बाद भारतीय सैनिक जमकर झूमते और जश्न मनाते नजर आए। एक और तस्वीर पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण की आप देखिए, जब 93,000 सैनिकों ने सरेंडर पाकिस्तान के किया था, कैसे ट्रक में भरकर पाकिस्तानी सैनिकों को लाया गया था। ये वो सैनिक है जिन्होंने सरेंडर किया और बांग्लादेश का जन्म हुआ, ये युद्ध खत्म हुआ उसके बाद पाक जनरल नियाजी का सरेंडर। ये तस्वीर अपने आप में बहुत अहम है, ये तस्वीर आपको देखनी चाहिए। नियाजी के दस्तखत करती ये तस्वीरें जब पाकिस्तान ने हार को स्वीकारा। शाम को करीब 5 बजे का वक्त था जब पाक जनरल ने सरेंडर किया। जनरल नियाजी ने अपने बिल्ले और रिवॉल्वर उतार दिए थे और सरेंडर की ये तस्वीर बताती है कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को सच्चाई दिखाई थी। और जीत के बाद जब सैनिकों से इंदिरा गांधी की मुलाकात हुई, बहुत बड़ा फैसला इंदिरा गांधी ने उस वक्त लिया था, बांग्लादेश जो अब कहा जाता है यानी कि पूर्वी पाकिस्तान, उस वक्त का हो रही बर्बरता से वहां के लोगों को निजात दिलाने का। और उसके बाद की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब इंदिरा गांधी जीत के बाद सैनिकों से मिली। और एक ये और तस्वीर बेहद अहम, शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के जब पहले प्रधानमंत्री बने।
और उसके बाद बांग्लादेश इस आजादी को जीता हुआ आया। ये पहली तस्वीर शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री बने थे, और उसके बाद से बांग्लादेश आगे बढ़ता चला गया, विकास की गाथा आगे बढ़ती चली गई और आज उसी शौर्य दिवस को हम मना रहे हैं। इस शौर्य दिवस के दौरान जब भारत ने जीत दर्ज की और पाकिस्तान को उसकी असली जगह भी दिखाई, अपने आप में बेहद ऐतिहासिक थे।